सो वेलकम बैक एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। माय नेम इज विजय और आपका स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों इस चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने फोर्थ पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ समझना है क्योंकि तीसरे पार्ट के अंदर हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। तो ये पार्ट पूरी तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, ये जितना भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना, जितना भी कुछ हमें समझ में आ रहा है वो सब हमें रिटर्न बेस पे कहीं ना कहीं देखने को मिला था। तो जो भी हमें रिटर्न बेस पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था दोस्तों, तो वो चीज़ें अब हम जानने की कोशिश करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट बुक जो कहीं ना कहीं मुगलों के इतिहास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हो सकता है, जो हमें पूरी तरीके से बताता है कि किस टाइम पीरियड पे क्या क्या घटनाएं हुई थी और उस टाइम पीरियड के अंदर मुगल अंपायर अपने सुप्रीम पे या अपने सबसे सर्वोपरि स्तर पे आ चुका था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अकबरनामा और बादशाहनामा, बादशाहनामा को पातशाहनामा और साथ में शाहनामा के नाम से जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू टेल यू वन थिंग कि अकॉर्डिंग टू अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में ये आता है कि जितनी भी मुगल क्रॉनिकल्स मिले हमें, उनमें से हमें ये क्रॉनिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है। क्या इम्पॉर्टेंट लगता है हमें? हमें ये इम्पॉर्टेंट लगता है कि ये क्रॉनिकल अकबरनामा और बादशाहनामा जो ये इतिवृत्त है ना, ये इतिवृत्त पूरी तरीके से मुगलों के इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स आई हैं, सोचिए 3 वॉल्यूम्स, 13 साल तक ये किताब लिखी गई। उसके बाद बादशाहनामा या शाहनामा या पातशाहनामा के नाम से जाने जाने वाली बुक जो शाहजहां के टाइम पीरियड की थी, उसकी भी 3 वॉल्यूम्स आई थी और उनको 10-10 साल के बीच का टाइम पीरियड लिखा गया। तो सोचिए ये इतना बड़ा क्रॉनिकल है, इतना बड़ा इतिवृत्त है जो हमें पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि इनकी बुक में कितनी पेंटिंग्स थी, कितना कुछ लिखा हुआ था जो सही मायने में हमारे पास भी नहीं था, बाहर किसी दूसरी कंट्री में था, वो तो बाद में फिर हमारी कंट्री में आया। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मुगल एम्पायर, जब ही हम समझ भी पा रहे हैं, अदरवाइज हम समझ भी नहीं पाते। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जितना भी मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिल रहा है, मतलब स्पेशली मुगलों का मैन्यूस्क्रिप्ट मिल रहा है, उन दोनों में अगर हम देखें, मतलब चाहे हम अकबरनामा देखें और चाहे हम बादशाहनामा देखें, उन दोनों बादशाहनामा अकबरनामा के अंदर 150 से ज़्यादा चित्र हमें देखने को मिले। आप जितना भी गूगल पे ये नेटवर्क पे जो भी आपको चित्र मिलते हैं ना, वो पूरी तरीके से आपको इन्हीं बुक के अंदर ही मिलेंगे। क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट की शुरुआत तो सबसे पहले अकबर ने प्रॉपर वे से शुरू करी थी, वो मैंने हमने पहले पार्ट में ही पढ़ लिया था। अब यहाँ पे अगर इन्होंने सबसे पहले शुरू करा था तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि किस तरीके से 150 से एवरेज, मतलब कम से कम एक एक पेजेस में तो दो दो चीज़ें और इन सभी पेजेस पे किताबों के अंदर कहीं पे बैटल्स के बारे में बताया जा रहा है, कहीं पे बिल्डिंग्स के बारे में, कहीं पे शादी के बारे में, कहीं पे किसी से राजा बात कर रहा है उसके बारे में, कहीं पे हंटिंग के बारे में, कहीं पे कोर्ट सीन के बारे में बताया जा रहा है, कहीं पे कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इतिहास है, दैट इज़ वाई हमें इसे डीपली समझना होता है। हालांकि इतना डीपली नहीं समझना है आपने, लेकिन इतना समझ लेना है कि जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टच आपको यूपीएससी से भी करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हम जैसे जैसे गहराइयों से डूबते चले जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, वैसे वैसे हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते जाएंगे। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। और अब हम आगे चलते हैं, अब हमें क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो अकबरनामा है वो अबुल फर्ज के द्वारा, अबुल फजल बोल दीजिए, है ना, तो अबुल फजल ही बोलता हूँ मैं, अबुल फजल आलम, इनका नाम पूरा ये है अबुल फजल आलम। तो ये आईने अकबरी इम्पॉर्टेंट क्रॉनोलॉजी है या क्रॉनिकल है जो पूरी तरीके से अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी, वैसे तो देखिए मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं कि अकबर के रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए बुक लिखी गई थी अकबरनामा, ठीक है। क्या लिखी गई थी? अकबरनामा। अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स थी। अब 3 वॉल्यूम्स में से जो लास्ट वॉल्यूम थी वो थी आपकी आईने अकबरी, और पहली और दूसरी वॉल्यूम्स का क्या नाम था वो आपको नेट पे ढूंढना होगा, बिकॉज आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको पहली और दूसरी वॉल्यूम्स का नाम पता चलेगा। बट इतना तो क्लियर है कि अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स को कहीं ना कहीं अबुल फजल के द्वारा ही डिस्क्राइब करा गया था। ऐसा कहा जाता है कि 7 साल तक लगभग उन्होंने लिखा था, लिखने के बाद
फिर उसे 13 साल तक उसको री एडिट करा गया, दोबारा से लिखा गया, दोबारा से लिखा गया, ताकि वो और अच्छा क्रॉनिकल बन जाए और अकबर के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छा उसे डिस्क्राइब किया जा सके। सो दैट इज़ वाई इतना आपको समझ लेना है। अब दिस इज द ग्रेट पर्सन। सोचिए अगर ये बंदा अकबर द ग्रेट का अगर इतिहास लिख रहा है उनके एंशिएंटर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में, इवन अकबर की लाइफ के बारे में, तो ये बंदा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खतरनाक बंदा होगा। तानसेन, बीरबल, यहाँ पे अबुल फजल, और कितने मैंने आपसे नौरतन के बारे में अकबर से पूछा था तो आप लोगों ने कमेंट करा था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन यहाँ पे नौ रतन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे सोचिए। तो जैसे आपने देखा ना अली बाबा 40 चोर, तो 40 चोर वो कैसे बनाए गए होंगे, कैसे इलेक्ट करे गए होंगे, तो वो अपने आप में ही एक कहानी है। ऐसी जो नवरत्न चुने गए थे अकबर के द्वारा, तो उसमें भी अपने आप में ही एक कहानी है। उनमें से अबुल फजल थे, और अबुल फजल बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, अरबी के, फारसी के, ग्रीक फिलॉसफी के बहुत अच्छे जानकार थे। इवन सूफीवाद, जो सूफी आपने चैप्टर पढ़ा होगा अगर आपको याद हो सूफीज के बारे में, है ना, तो वो सूफीज के बारे में भी काफ़ी अच्छा ये समझते थे। सूफी लोग डांस, नाच, गाना करते थे, जो शरिया कानून के कट्टरपंथ की अवहेलना करते थे। यहाँ पे अबुल फजल भी सेम ऐसे ही थे, वो काफ़ी अच्छे जानकार थे, उन्होंने आईने अकबरी लिखी। अब ऐसा कहा जाता है कि शरिया कानून के अंदर जो कट्टरपंथ, जो आज का तालिबानी फॉलो करवाना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, वो उसके खिलाफ थे। मतलब उमा कम्युनिटी की कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, जिसे बोलते हैं रूढ़ीवादी उलमा। रूढ़ीवादी उलमा का मतलब क्या था, अगर आपको पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कभी भी पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बनाना, मूर्ति बनाना शरिया कानून के अकॉर्डिंग खिलाफ में था, क्योंकि उनको लगता था कि किसी कलाकार को अगर हम ये परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो अल्लाह की तस्वीर बनाने का एक पूरी तरीके से एक हो सकता है। हिंदुओं के अंदर तो आप देखते हैं देवी देवताओं की मूर्ति कैसे बन जाती है, हम कैसे बना लेते हैं, वो तो हमारा प्यार प्रेम है उनके प्रति। तो शरिया कानून के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अबुल फजल ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कलाकारों के पास मैजिकल आर्ट है, वो बना सकते हैं, अपने भगवान को पूज सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसीलिए रूढ़ीवादी आप इस्लाम को देख सकते हैं कि वो नहीं मानते थे। दैट इज़ वाई अबुल फजल जो थे, इसी वजह से अकबर को पसंद आए थे, बिकॉज अकबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट पर्सन जो सेकुलरिज्म में बिलीव रखते थे। अब सेकुलरिज्म तो हमारे भारत के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, चलिए सेकुलरिज्म कब आया था ये मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन इंदिरा गांधी के फादर के फादर के फादर के पैदा होने से पहले अकबर सेकुलरिज्म की एक नीति लेके आया था, स्वाय कुल। सोचिए वो नीति बहुत साल पहले ही आ चुकी थी, वो तो हमारे अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में दूसरे रूप में आई, जिसे हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। सेकुलरिज्म कौन से आर्टिकल के तहत आया, कौन से ईयर में आया, प्रियम्बल में कब डाला गया, कौन से शब्द डाले गए, वो आपको 11th क्लास में आपने पढ़ लिया है। इफ़ यू नो दिस तो देन कमेंट मी, और हम स्वाय कुल भी इन फ्यूचर पढ़ेंगे। बट अकबर को अबुल फजल की ये बातें बहुत अच्छी लगी कि वो कंजर्वेटिव उलमा की बातों को नहीं मानते थे, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे दिस क्वालिटी इम्प्रेस अकबर, और अकबर को यही बात अबुल फजल की पसंद आई, और अबुल फजल दैट इज़ वाई उनके एडवाइज़र, स्पोक पर्सन, उनकी पॉलिटिक्स में एक सलाहकार, उनके प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता होते हैं ना जो हर जगह जाते हैं, जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी से, ऐसी बीजेपी से, ऐसी कांग्रेस से, तो जो स्पोक पर्सन बातें बोलता है वो स्पोक पर्सन एटलीस्ट पार्टी की बातें रख रहा होता है। सेम ऐसी अकबर की बातें अगर जनता तक पहुंचानी होती थी, अकबर क्या सोच रखते थे, उसके लिए अबुल फजल को अपॉइंट करा गया। सो दैट इज़ वाई इज़ द ग्रेट पर्सन, और दैट इज़ वाई हमें इसके लिए जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम इनके बारे में इतना डीपली पढ़ते हैं। सो दैट इज़ वाई That is why. अब यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि पूरी तरीके से सम्राट यानी कि जो एम्पायर, जो अकबर थे, वो ये बताना चाहते थे कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स फीलिंग जो है, जो समाज में चल रही है, वो अकबर की नहीं है। इसलिए आपको पता होगा कि इसने अपनी वाइफ को, जोधा को, अपने घर के अंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखवाई, पूजा करवाया, इवन इन्होंने हिंदू धर्म में शादी करी। तो इससे समझ में आता है कि वो रूढ़ीवादी शरिया कानून के कट्टरपंथ को नहीं मानते थे, इतना तो क्लियर आ जाता है। दैट इज़ वाई इन्होंने अबुल फजल को पूरी तरीके से अपॉइंट करा, ताकि अबुल फजल जो है उनके विचारों को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके, या दूसरी जगह अगर पहुँचानी है तो वहाँ पर पहुँचा सके। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसीलिए अबुल फजल को ये काम दिया गया कि अबुल फजल जो है वो अकबर की लाइफ के बारे में उनके ऊपर अकबरनामा लिखे। अब सोचिए दिस पर्सन अगर इनको अपॉइंट करा जा रहा है तो ऑफकोर्स ये तो बहुत ही ग्रेट व्यक्तियों में से एक होंगे। सो दैट इज़ वाई अकबरनामा के ऊपर 3 वॉल्यूम्स लिखी गई है, ठीक है, ये हनी सिंह की वॉल्यूम नहीं है, आप याद रखिएगा।
ये अकबर अकबर की वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या कहते हैं वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, इनको कंप्लीट होने में समय लगता है। सो दैट इज़ वाई पहले का नाम ये बताता है कि पहली बुक जो है अकबर के एंशेंटर्स, यानी कि अकबर के पूर्वजों से डिपेंड है। अब अकबर के पूर्वज कौन है? हुमायूं है, और उसके बाद क्या कहते हैं आपके बाबर है, तो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली शॉर्ट वीडियोस बनाने चालू करी है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इतिहास से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में दे सकूँ, ताकि उनका क्विक रिविजन भी होता रहे, और बाकी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो वीडियोज़ कैसी लग रही है अपना रिस्पॉन्स उस पर भी ज़रूर दिखाइएगा। अब यहाँ पर पहली बुक क्या बताती है? अकबर के एंशेंटर्स के बारे में। दूसरी बुक बताती है अकबर के रीजन्स के बारे में, मतलब अकबर का जो भी टाइम पीरियड रहा उसमें अकबर ने क्या क्या करा, कैसी युद्ध नीति अपनाई, कहाँ कहाँ वॉर लड़ने गया, वगैरह वगैरह चीज़ें। और तीसरी बुक जो है ना वो आईने अकबरी है, मतलब अकबर नामा की तीसरी बुक जो है वो आईने अकबरी है, याद आपको ये रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आईने अकबरी जो है वो क्या कहते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, ज्योग्राफी, मतलब उसका लैंडमार्क कैसा था, वगैरह वगैरह चीज़ें डिस्क्राइब करती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1589, देखिए उनका टाइम पीरियड देख सकते हैं, 1556 था ना, और 1556 के बाद ही 1589 के अंदर इसको अपॉइंट करा गया, और लगभग इन्होंने क्या कहते हैं इसको 13 साल लगा दिए कंप्लीट करने में। कंप्लीट किया मतलब उसको रीएडिट करते रहे, मैंने बताया ना 7 साल तो लगा ही दिए थे, लेकिन उसको रीएडिट करना और अच्छा करना और अच्छा करना, यानी कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या कहते हैं अकबर रीजन, इन इस अकबर नामा के 3 वॉल्यूम्स आई। तीसरी वॉल्यूम्स आईने अकबरी है, और आईने अकबरी के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स, और आईने अकबरी सबसे मोटी अकबर नामा की वॉल्यूम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, पर आईने अकबरी के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल में कंटेंट बताया गया। दैट इज़ वाई आईने अकबरी के भी पार्ट हैं, आईने अकबरी के भी पार्ट हैं। और सोचिए यहाँ पे अबुल, देखिए ये MCQ क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मेरी वीडियोज़ आपके लिए इतनी यूजफुल इसलिए रह सकती है बिकॉज मेरा मकसद होता है कि शॉर्ट्स में ना बताते हुए बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्टली पॉइंट हिट करवाए, ठीक है ना। तो किताबें इतनी ज़्यादा नहीं बता पाती जितनी मेरी वीडियोज़ आपको बता पाती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उन पे आंसर जरूर करिएगा, बिकॉज पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी, तो नॉर्मल है, अब आप अबुल फजल के बारे में बता सकते हैं। अब क्योंकि तीसरी वॉल्यूम जो है आईने अकबरी, आईने अकबरी इतनी बड़ी बुक है जो बहुत सारे टॉपिक्स को क्या कहते हैं बताती है, आर्मी के बारे में बताती है, रेवेन्यू के बारे में बताती है, हाउस होल्ड के बारे में बताती है, अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चल रही है उसके बारे में बताती है, अकबर कहाँ पे युद्ध के लिए जा रहा है उसके बारे में बताती है। दैट इज़ वाई इसके 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? मंजिल आबादी, सिपा आबादी, उसके बाद मुकद आबादी, चौथी है जो पूरी तरीके से उसकी क्या कहते हैं लिटरेरी एक्टिविटी और सोशल कंडीशन बताती है, और पांचवी जो बताती है उसके मोरल सेंटेंसेस, मतलब उसकी नैतिकता को दिखाती है। तो ये आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ये आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और आई थिंक आपने इनके तीनों के बारे में पहले भी पढ़ लिया होगा, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो ये आईने अकबरी के 5 वॉल्यूम है, वैसे अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड है, पहली वॉल्यूम, दूसरी वॉल्यूम और तीसरी वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद इसके 5 पार्ट है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो आईने अकबरी है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट एक बुक है जो अकबर के नज़रिए से अकबर को दिखाने की कोशिश करती है, जो अबुल फजल ने डिस्क्राइब करी थी। अब इसीलिए अबुल फजल इतने इम्पॉर्टेंट किरदार में से आते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ लेना। अब क्योंकि जो अकबर था उसके चहीते थे, बट यहाँ पे अबुल फजल को मर्डर्ड करवा दिया गया बीर सिंह क्या कहते हैं बुंदेले के द्वारा, सलीम जहांगीर जिसे आप बोलते हैं, सलीम अकबर उनके बेटे थे, और यहाँ सॉरी अकबर उनके फादर थे, और वहाँ पे क्या कहते हैं इन्होंने षड्यंत्र रचा, और जहांगीर का कोई बंदा खास था, उसने षड्यंत्र रचा और यहाँ पे अबुल फजल को मरवा दिया। सोचिए अबुल फजल को यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के तहत मार दिया गया, मतलब कितना लॉस है हमारे देश के लिए, बट हुआ ऐसा। और यहाँ पे अबुल फजल की डेथ हो गई, और उसके बाद जहांगीर के बारे में आता है। अब जहांगीर के ऊपर कौन सी बुक लिखी गई थी, यू नीड टू फाइंड दिस, ठीक है, जहांगीर के ऊपर कौन सी बुक लिखी थी और किसने लिखी थी उसे, ओके, दो चीज़ ढूंढिएगा, कमेंट करिएगा। हालांकि बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है, बट मैं आपको क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ कि ज़रूर रिप्लाई करिएगा। अब जहांगीर का टाइम पीरियड ख़त्म होता है, और फिर आते हैं शाहजहां। शाहजहां के ऊपर एक बुक लिखी जाती है, उसे बोलते हैं बादशाहनामा। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बादशाहनामा, ठीक है, उसके बाद बादशाहनामा, और बाद में इसको पुकारा गया शाहजहांनामा। ओके, किसके बारे में बताता है, हमारे सबसे लेजेंडरी प्ले बॉय, बहुत बड़े क्या कहते हैं कबीर सिंह जो थे,
यानी कि कहने का मतलब शाहजहां जी, जिन्होंने मतलब इतना पैसा लुटा दिया मुमताज के चक्कर में कि उसने ऐसा सिंबल क्रिएट कर दिया ताजमहल, जो मतलब अपने आप में ही एक अजूबा है। मतलब दुनिया में मैं कह सकता हूँ भारत के अंदर आने वाले अभी भी 20 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा आशिक होगा जो क्या कहते हैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस रेवेन्यू का दे दे, और उसने पूरा ताजमहल क्रिएट कर दिया। मतलब कितने ग्रेट लवर आए होंगे, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, बट दिस इज द पर्सन जिन्होंने एक सिंबल क्रिएट करा और आने वाले कई सालों तक इनको जाना जाएगा। तो इनकी लाइफ के ऊपर भी एक बुक लिखी हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा सारी बुकें पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज, इनकी भी 3 वॉल्यूम्स आई थी। अब 3 वॉल्यूम्स का नाम आपको डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिएगा इनकी भी 3 वॉल्यूम्स आई थी, और इनकी जो 3 वॉल्यूम्स आई थी वो आप टाइम पीरियड देख सकते हैं कितना टाइम पीरियड है, 1627 से लगभग 1558 तक, तो 1754 और 54 के बाद 4, यानी कि लगभग 31 साल। तो 30 साल का जो भी टाइम पीरियड रहा ना, 10-10 साल का इनके ऊपर वॉल्यूम्स में बुकें निकली जो शाहजहां के लाइफ के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, एंशियंट्स के बारे में, रेवेन्यू, आर्मी, जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें कवर हो सकती थी उन चीज़ों को कवर करा गया। अच्छा, क्या ये बुक अबुल फजल के द्वारा लिखी जाएगी? ऑफकोर्स नॉट, बिकॉज अबुल फजल तो मर चुके हैं। ये बुक लिखी गई थी आपके, ये जो बुक लिखी गई थी इनको भी 3 खंडों में बांटा गया था, और ये बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे, बुक का नाम लाहौरी जी आप देख सकते हैं, लाहौरी जी इन्होंने लिखी थी बुक, ठीक है। अब याद रखिएगा ये आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा अलग से है, लाहौरी जी के द्वारा लिखी गई थी, और फिर बाद में हमारी कंट्री के अंदर फ्रांसीसी आए, ब्रिटेन के लोग आए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एमसीक्यू से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। 1799 में जॉर्ज थर्ड ने बादशाहनामा भेंट करी थी, ठीक है, जॉर्ज थर्ड को ये बादशाहनामा जो थी भेंट में दी गई थी, और उसके बाद विंडर कैलस जो है वो अंग्रेजी शाही घराने के थे, उन्होंने इसको सुरक्षित करके रखा, और उसके बाद 1994 के अंदर इसको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, पांडुलिपि के अंदर लिखा गया। देन फाइनली दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर 1997 के अंदर जाके ये बुक हमारी इंडिया की लाइब्रेरी में लंदन से आई, और उसके बाद क्या कहते हैं अब हम इसको देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब हमारे ही देश की बुक। वैसे तो खैर ये लोग मुगल थे, बाहर से आए थे, लेकिन इतिहास तो हमसे भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जानकारी वाला है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी वो भी आपको ज़रूर याद रखनी होगी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसकी तीसरी वॉल्यूम जो थी ना वो लाहौरी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ठीक है, तीसरी वॉल्यूम, क्योंकि पहली और दूसरी वॉल्यूम यानी कि 10-10 साल के जो वॉल्यूम्स थे, यानी कि जो शाहजहां के बारे में बताते हैं वो तो ठीक थे, तीसरे साल में जब 10 साल का था लाहौरी जी थोड़े से बूढ़े होते चले गए थे, तो तीसरी वॉल्यूम्स को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा समय लगा था। तो किसने लिखी थी तीसरी वॉल्यूम वो भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार हमें इंडियंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर मुगल लोग आए, राजपूत आए, कितनी डायनेस्टी आगे चली गई, तो हमें इंडियंस को बिल्कुल बैकग्राउंड से समझना, बैक साइड से समझना, क्योंकि हमने इनके दिमाग के अंदर इंग्लिश तो घुसेड़ दी है, इंग्लिश तो ज़बरदस्ती घुसेड़ दी, इंग्लिश इनके लिए कंपलसरी कर दी, बट हम इनको दिल से नहीं समझ पा रहे कि असल में इनको लाइफ टाइम का गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा ना, खिलजी चाहता था कि राजा रतन सिंह को जाके गुलाम बनाए, लेकिन वही राजा रतन सिंह जी कि हमारे मेवाड़ के राजा तो इतना लोहा पहनते हैं अपने शरीर के अंदर कि तुम क्या हो क्या जी, तो वो एटीट्यूड जो हमारे अंदर इतने सालों से था ना, वो अंग्रेज लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनको ये आया कहाँ से। सो दैट इज़ व्हाई दे वांट टू नो अस फ्रॉम द बिगिनिंग, हमें बहुत पास से जानना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर हमारे लोगों को समझने के लिए, हमारे कल्चर को समझने के लिए चीज़ों को ढूंढना चालू करा। दैट इज़ व्हाई इन लोगों ने खलजी, सऊदीया, ये सब ढूंढा, दैट इज़ व्हाई हम इन्हें समझ पा रहे हैं। तो हम अंग्रेजों के बहुत थैंकफुल हैं कि हम ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। विलियम जॉन्स, इनके हम बहुत थैंकफुल हैं क्योंकि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसलिए बनाया था कि हमारे भारत से रिलेटेड जितना भी पास्ट है, जितना भी आर्कियोलॉजिस्ट है, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितना भी कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी सबूत पास्ट से रिलेटेड है, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में आएगा, और यहाँ पे फिर फाइनली उसका एडिशन होगा या उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये अकबरनामा और बादशाहनामा जो संस्करण था, जो इंग्लिश में लाना था, वो भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर जाके आया था, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना था, कौन से ईयर में बना था, इतना तो पता है कि विलियम जॉन्स ने इसको बनाया था, बट कौन से ईयर में बना था कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हेनरी बेवेज करके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अकबरनामा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा था। वो चाह तो रहे थे कि बादशाहनामा को भी ट्रांसलेट करें, बट बादशाहनामा को ट्रांसलेट नहीं कर पाए। अब वो क्यों नहीं कर पाए वो अलग से ढूंढना पड़ेगा। इतना ही बहुत है, हम इतना ही समझ लेते हैं, बाकी आपसे अलविदा लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर रिप्लाई करिएगा, और आपके लिए हम संडे को लाइव लेके आएंगे, तो
बी अ वोट देयर और अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।